हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम पाटक ट्यूटोरियल। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो भी इंटीग्रेशन के चैप्टर में। दोस्तों, क्योंकि बच्चों को बहुत ही डाउट आ रहे हैं कि और वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे क्वेश्चन को, जैसे इंटीग्रेशन का क्वेश्चन आता तो ये पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चन देखे इंटीग्रेशन के, वो सिर्फ 8 तरीके के बनते हैं। तो मैंने उन 8 टाइप्स को एक एक करके आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और मैं गारंटी ले रहा हूँ अगर आप ये वीडियो पूरी देख लेते हैं तो इंटीग्रेशन में आपको कहीं पर भी डाउट नहीं आएगा। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पेपर पास आ रहे हैं और मैं न्यू वीडियो लाता रहूँगा और एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो दोस्तों पहले हम फर्स्ट टाइप देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप में है कि अगर कॉन्स्टेंट अपॉन में क्वाड्रेटिक आ जाता है क्वेश्चन में, कॉन्स्टेंट अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर क्वाड्रेटिक जो है वो अंडर रूट में हो, तो कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता देता हूँ आपको। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसको हम बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं उसके ये रहा तरीका। ठीक है, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। फिर उसके बाद क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द कोफिशियंट ऑफ एक्स। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, मतलब ए एक्स स्क्वायर, ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, तो हम उसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशियंट होगा उसको हम 1 बनाएंगे। ठीक है, और एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग करेंगे किसको, जो एक्स के साथ होगा ना डिजिट उसको हम 2 से डिवाइड करके उसका स्क्वायर करके एक बार ऐड करेंगे और एक बार लेस करेंगे, फिर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे। अगर आपको क्वेश्चंस देखने की कैसे करते हैं राजवन के थ्रू, इसका नाम है राजवन, अगर कॉन्स्टेंट अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाती है तो। ठीक है, अगर आपको ये इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है राजवन के नाम से, वहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं हम इसके थ्रू। ठीक है, तो अब आता है हमारा राज टू। ये राजवन राज टू क्या है, अगर अभी आपने मेरी वो सीरीज़ देख रखी होगी इंटीग्रेशन की तो आप ये समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझ पा रहे कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाके वीडियो देख लो, सब समझ आ जाएगा। ठीक है, अब राज टू में क्या होता है, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए। लीनियर क्या होती है, जैसे ए एक्स प्लस बी, और क्वाड्रेटिक आपको पता ही है। अगर इस फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाएंगे, नीचे का डेरिवेटिव ऊपर बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन करने हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है राज टू के नाम से, वहाँ पे जाके आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कैसे करते हैं हम नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर को कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो आपने दो टाइप पढ़ ली, कॉन्स्टेंट अपॉन में क्वाड्रेटिक और लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो क्या करेंगे, और इस टाइप के क्वेश्चन होंगे तो क्या करेंगे। अब आती है हमारी थर्ड टाइप। अब थर्ड टाइप में क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप बोलोगे पार्शियल फ्रैक्शन तो भाई क्वेश्चन देखकर पता ही चल जाता है कैसे करना है, लेकिन इसमें एक नोट लिखा मैंने। पहले मैं आपको ये बता दूँ, पार्शियल फ्रैक्शन 5 टाइप की होती है, मैंने लेकिन एक ही लिखी यहाँ पे। अगर आपको वो सारी देखनी है, क्वेश्चन भी देखनी है पार्शियल फ्रैक्शन पे कैसे करते हैं, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है मैंने। ठीक है, अब ये देखो नोट क्या लिखा मैंने, न्यूमरेटर में अगर लीनियर आ जाए और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आ जाए, ठीक है, तो क्या करेंगे। लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक मैंने बताया था आपको राज टू लगता है ना, लेकिन यहाँ पे एक नोट बना दिया मैंने कि अगर क्वाड्रेटिक के फैक्टर बन जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा देंगे, अगर क्वाड्रेटिक के फैक्टर ना बने तो राज टू लगाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाएंगे, आपको आता होगा फैक्टर बनाना मिडल स्प्लिट टर्म करके। ठीक है, मिडल स्प्लिट टर्म करते थे ना बचपन में, वैसे ही फैक्टर बना के देख लेना, अगर बन गए तो ये लगा देंगे हम पार्शियल फ्रैक्शन, अगर नहीं बना तो राज टू। राज टू में क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में बनाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पास फोर्थ टाइप। फोर्थ टाइप बहुत ही सिंपल है। अब इसमें क्या देखना होता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, अगर न्यूमरेटर जो है उसकी डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से बड़ी हुई या फिर इक्वल, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से, डिवाइड कर देंगे, और जो हमारा क्वेश्चन आएगा उसको ऐसे लिखेंगे, रिमाइंडर को यहाँ लिखेंगे, और यहाँ पे जो होगा हमारा डिविडेंड उसको यहाँ लिख देंगे। ये मैंने आपको न्यू दिल्ली ट्रिक के नाम से पढ़ा रखा है पहले ही। ठीक है, कुतुब मीनार, दरियागंज की मार्केट, और ये रेड फोर्ट। ठीक है, तो डिवाइड करके सिंपल हम इस फॉर्म में कर देते हैं, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इन टाइप्स को ध्यान में रखना, चारों टाइप्स को जब अभी पढ़ाई है मैंने। अब आती है हमारी फिफ्थ टाइप। फिफ्थ टाइप बहुत ही सिंपल है, इसका नाम है प्रॉपर्टी, मतलब ई की पावर एक्स और ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स आ जाए, तो क्या करेंगे हम, ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस सी। सिंपल है ये, मतलब अगर e की पावर x बाहर हो और अंदर जो एफ एक्स दे रखा है उसका डेरिवेटिव साथ में ही हो प्लस में, तो हम क्या करेंगे, e की पावर x इंटू में एफ एक्स प्लस सी कर देंगे आंसर।
ठीक है, प्लस में हो या फिर माइनस में हो, लेकिन हमें यहाँ पे प्लस रखना है। अगर ये माइनस में है तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, प्लस होना चाहिए, ये ध्यान में रखना। उसके बाद आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ये तो सिंपल है, आपको देख के पता चल जाता है अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उसका हम इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, बाय पार्ट्स के थ्रू। और बाय पार्ट्स क्या होता है, फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर उसका होल इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। पहले डेरिवेटिव करोगे फर्स्ट का, इंटू में सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर पूरे होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। और ये मैंने आईलेट ट्रिक्स आपको बता रखा है कैसे सॉल्व करते हैं। आईलेट मतलब कि मतलब अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम पहले किसको फर्स्ट मानेंगे किसको सेकेंड मानेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है ना फर्स्ट और सेकेंड, तो इसलिए हम फर्स्ट और सेकेंड इनको पोजीशन देने के लिए क्या करते हैं, आईलेट का यूज़ करते हैं। अगर आपको इस पर क्वेश्चन देखने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है बाय पार्ट्स के नाम से, उधर जाके आप क्वेश्चन देख सकते हैं कैसे होते हैं, क्योंकि इस वीडियो में सिर्फ मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे पहचान करनी है क्वेश्चंस की, ठीक है। उसके बाद आता है अब सेवन्थ, राजवन एडवांस। एडवांस मतलब अभी राजवन में हमने क्या पढ़ा था, अगर कॉन्स्टेंट अपॉन में क्वाड्रेटिक हो जाए तो क्या करते हैं, नीचे का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। अब ऊपर आ गया अंडर रूट में क्वाड्रेटिक, तो हम क्या करेंगे, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। लेकिन आप देख लो, अंडर रूट होना चाहिए तभी, अगर अंडर रूट नहीं होगा तो आप सिंपली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन तो आराम से कर दोगे क्वाड्रेटिक का। लेकिन अगर अंडर रूट में आ जाएगा तो क्या करोगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे, ठीक है, जैसे राजवन में बनाते थे, लेकिन वो अब डिनोमिनेटर में होता था, अब ये सिर्फ न्यूमिनेटर में है। और राज टू एडवांस में क्या होता है, पहले राज टू देख लेते हैं एक बार दोबारा, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक। अब यहाँ पे क्या है, लीनियर इंटू में क्वाड्रेटिक, वो भी हमारा किस में है, अंडर रूट में। तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव हम बनाएंगे साथ में, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन ये मैंने करवा रखे हैं, तभी मैं कह रहा हूँ आप मेरी एक मिनट चैनल पर जाओ और वहाँ पर जाके आप पूरा प्लेलिस्ट में से जितनी भी वीडियो है मेरी इंटीग्रेशन की, सारी वीडियो पढ़ लो एक बार, ठीक है, तो आप आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों यही 8 टाइप्स है बस, ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर पूरा इंटीग्रेशन कम्प्लीट कर दिया 8 टाइप्स के अंदर। और जो एक्सेप्शन क्वेश्चंस हैं, मतलब जिनमें ये 8 टाइप्स नहीं लगती, वो मैंने अलग से वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इंटीग्रेशन की, वो सारे क्वेश्चन कर लो और ये सारी 8 टाइप्स पढ़ लो, ठीक है, तो आपका इंटीग्रेशन चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन वो डेफिनेट वाला आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, वो तो सिंपल है, ठीक है, लेकिन इनडेफिनेट आपका यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाता है। राजवन समझ आ गया, कॉन्स्टेंट अपॉन में क्वाड्रेटिक, लीनियर अपॉन में क्वाड्रेटिक, एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं, दो गई टाइप। थर्ड टाइप में क्या है, अगर क्वाड्रेटिक का फैक्टर बन जाए तो क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन, अगर नहीं बने तो राज टू। और टाइप फोर क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री और डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हुई, या फिर न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हुई तो डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद ये सिंपल प्रॉपर्टी है, ई की पावर एक्स ब्रैकेट में एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो क्या लिखेंगे इसको, ई की पावर एक्स इंटू में एफ एक्स प्लस सी। और ये बाय पार्ट्स आपको आता ही है, ठीक है। उसके बाद राजवन एडवांस, ऊपर की तरफ अगर क्वाड्रेटिक आ गया, ठीक है, अंडर रूट में, तो क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। और अगर राज टू एडवांस आ जाए क्या होगा, इसमें लीनियर इनटू में क्वाड्रेटिक का अंडर रूट, तो क्या करेंगे, इसको हम डेरिवेटिव बनाएंगे साथ में। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल ट्रिक है, ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ।